बीती रात पुलिस पर मुर्मू और एसडीपी रवि भूषण और साथ में मेघलाल टुडू द्वारा अवैध बालू ले जा रहे ट्रकों को जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि रात के करीब 10 बजे से लेकर 2 बजे तक सघन जांच के क्रम में 3 हाइवा को जब्त किया गया, जिसमें बालू ओवरलोडिंग ले जाया जा रहा था। इस विषय पर विशेष बात करते हुए रवि भूषण ने बताया कि ऐसे जितने भी गोड्डा जिला में ओवरलोडिंग ले जा रहे ट्रक होते हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एसपी साहब और डीसी मैम का आदेश है कि भाई कार्रवाई हम लोग करते ही रहते हैं, बहुत से एफआईआर भी हो रहे हैं और एक संयुक्त कार्रवाई थी, एक डीएमओ साहब एसडीओ साहब और हम मिलकर के टाउन थाना प्रभारी अभी जो चंद्रशेखर सिंह हैं उनके साथ, तो तीन गाड़ी ही पकड़ पाए हम लोग। तीन बड़ी गाड़ियां हैं, एक हाइवा है, दो बड़ी गाड़ियां हैं, दो हाइवा है, एक 12 चक्का है, कितना 14 चक्कर गाड़ी है। तो बाकी लोगों को खबर हो जाता है तो कहीं कहीं पार्क करके लोग भाग जाते हैं। हम लोग काफी सर्च किए लेकिन पूरा शहर में सन्नाटा था। लोग इन लोगों का अभी सूचना तंत्र थोड़ा मजबूत है, तो यही है जारी रहे। सर जाते जाते भी कार्रवाई कर रहे हैं सर, नहीं अभी इलेक्शन सामने है तो इसको देखते हुए हम लोग जो ये तस्करी है इसको लेकर के हम लोग जांच अभियान में निकले हुए, हम लोग का संयुक्त निकले हुए थे। सदर प्रखंड के मंजवारा घाट में ग्राम पथरिया में शॉर्ट सर्किट से लगने वाले आग में मुकेश मांझी, मिथुन मांझी, राजेश मांझी, गोपाल मांझी और सोनू मांझी के घर जलकर राख हो गए थे। वहां के वार्ड प्रतिनिधि धनराज रविदास एवं ताराशंकर ईश्वर के पहल पर प्रज्ञा केंद्र संचालक प्रफुल्ल पुष्प एवं सेव इंडिया फैमिली ट्रस्ट के स्टेट काउंसलर प्रदीप कुमार विद्यार्थी ने पीड़ित परिवार सदस्यों से मिलकर वो अपने स्तर से चूड़ा मूड़ी एवं कपड़े सहयोग किए। आगे जिला प्रशासन मिलकर सेव अविलंब उचित सहयोग कराने का भरोसा भी दिया है। ज्ञात हो कि बृहस्पतिवार को दोपहर में एकाएक आग लग जाने से पूरा घर जलकर राख हो गया था। आग की लपटें इतनी तेज थी कि ग्रामीण आग को बुझाने से नाकाम रहे। बाद में दमकल कर्मियों के ने आग बुझाया मगर चुनावी मौसम में रहने के बावजूद भी अब तक किसी भी पार्टी के नेताओं ने इस घटना की सुधि नहीं ली है। महागामा अनुमंडल अंतर्गत अनवारा थाना क्षेत्र में थम नहीं रहा अवैध कोयला की ढुलाई। पुलिस प्रशासन और कोयला माफियाओं के मिलीभगत से चल रहा है अवैध कोयले का कारोबार। पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने के बजाय कर रही है इन बातों को नज़रअंदाज। राजमहल परियोजना से प्रतिदिन व्यापक पैमाने पर अवैध रूप से कोयले की ढुलाई हो रही है। ठेले से रात भर कोयला की ढुलाई कर सीमावर्ती राज्य बिहार कोयला डिपू भेजा जा रहा है। वहाँ ऊंचे दामों में कोयला की बिक्री होती है लेकिन प्रशासन इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही। कुछ ग्रामीण दबी जुवानों में कह रहे हैं कि बिना प्रशासन के मिलीभगत से इतने व्यापक पैमाने पर कोयला की ढुलाई कैसे संभव है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के सीमावर्ती राज्य बिहार में भागलपुर जिले के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर कोयला डिपू है जहां झारखंड से अवैध कोयला भेजा जाता है। इसके बाद डिपू से कोयला उठाकर भागलपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है। बात साफ है कि जिसके कंधे पर अवैध कार्यों को रोकने की जिम्मेदारी दी गई है वही भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डुबकी लगा रहे हैं। कब से ला रहे हैं? इतना अच्छा, ये कोयला आप कहाँ जाके बिक्री करते हैं? कहाँ डिपू में? कहाँ डिपू में, कहाँ पड़ता है? हैं? और तो आपको पुलिस का डर नहीं लगता है? पुलिस का डर लगता है तो क्या करें, पुलिस तो कभी भेटा देता है तो पैसा ले लेता है सर को। गोड्डा पत्थरगामा प्रखंड के अमडिया गांव में अदानी फाउंडेशन के द्वारा नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 80 से ज़्यादा लोगों के आंखों की जांच की गई जिसमें ज़्यादातर संख्या बुजुर्ग और महिलाओं को देखने की मिली। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साकेत कमल और डॉक्टर सौरभ ने नेत्र जांच के बाद मरीजों को दवा और चश्मा की सलाह दी। फाउंडेशन की तरफ से लोगों को दवा भी मुफ्त वितरित की गई। डॉक्टर के मुताबिक 60 साल की उम्र पार कर चुके कई मरीजों में मोतियाबिंद की समस्या देखने को मिली है जिन्हें ऑपरेशन की सलाह दी गई है। अदानी फाउंडेशन के अधिकारियों का कहना है कि जिन मरीजों को डॉक्टर की तरफ से पावर का चश्मा लगाने की सलाह दी गई है उन्हें चश्मा मुफ्त बनवाकर दिया जाएगा। पथरगामा के ही माल निस्तारा पंचायत स्थित हरकट्टा गाँव में भी अदानी फाउंडेशन की तरफ से स्वास्थ्य शिविर लगाया गया जिसमें 70 के करीब मरीजों ने अपना स्वास्थ्य जाँच करवाया।